अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और इसीलिए मुसलमान 6 दिसंबर को काला दिन ब्लैक डे मनाता है। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले 3 ऐसे शख्स जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलाया, लेकिन अब वो लोग मुसलमान बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे शख्स जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग मुसलमान बन गए और अब वो दर दर मस्जिदें खुद बनवा रहे हैं। पहले शख्स का नाम है बलवीर सिंह, जिसका नाम अब मोहम्मद आमिर हो गया है, और दूसरे शख्स का नाम है योगेंद्र पाल, जो अब मोहम्मद उमर हो गया है, और इस्लाम अपनाने वाले तीसरे शख्स का नाम है शिव प्रसाद, जो अब मोहम्मद मुस्तफ़ा बन चुका है। दोस्तों, इन लोगों ने कुछ इस तरीके से इस्लाम को अपनाया कि जब इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने में हिस्सा लिया, उसके बाद ना इनको दिन को चैन था और ना ही रात को करार। इन लोगों ने झाड़ फूक भी करवाया और काफ़ी डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, उसके बावजूद भी इनको सुकून ना मिलता था। फिर इनको अपनी गलती पर एहसास हुआ कि हाँ, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद इन लोगों ने कई लोगों से राब्ता किया और उनको अपना मसला बताया, लेकिन किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया कि इनके साथ क्या किया जाए, कि इनको कैसे सुकून हासिल हो। उसके बाद इन्होंने अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम धर्म को अपना लिया और सच्चे रास्ते पर चलने वाले बन गए। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है तो उसके दिल में इस्लाम की दौलत अता कर देता है। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा। 2010 में हाई कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद की जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। इस पर हिंदू और मुसलमान राजी नहीं हुए और ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक केस चलता रहा। फिर 5 नवंबर 2019 को फैसला आया कि पूरी बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाएगा और मुसलमान को मस्जिद बनाने की कहीं और पर जगह दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया और तमाम मुसलमानों के आंखों में आंसू आ गए। अब दोस्तों, बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था। अब बात करें ज्ञानवापी मस्जिद की, तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद यूपी के वाराणसी में मौजूद है और इस पर भी केस चल रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करती थी। दोस्तों, बेशक हकीकते हाल अल्लाह ताला ही जानता है और वही बेहतर फैसला करने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलही ने सन 1669 में बनवाया था, और इसी तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के भी कोर्ट में केस चल रहा है। यहाँ पर भी पहले मंदिर थी और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई है। इस तरह की बातों को लेकर के कोर्ट में केस चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद को भी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अलही ने 1670 में बनवाया था। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे भारत की बात, लेकिन अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुन करके आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप गमगीन हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश से दूर फिलिस्तीन में मस्जिद अलक्सा को लेकर के भी काफ़ी जंगें चल रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मस्जिद अक्सा को लेकर के सदियों से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों में जंग होती चली आ रही है। मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये मस्जिद अक्सा मुसलमान की है और मस्जिद अक्सा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम नबियों ने तामीर किया और इसी मस्जिद से हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे और इसी मस्जिद में तमाम नबियों की इमामत कराई थी। और यहूदियों का ये दावा है कि मस्जिद अक्सा की जगह पर हमारा हैकल सुलेमानी था। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि हैकल सुलेमानी क्या है, तो हम आपको बता दें कि दोस्तों, हैकल
यानी कि इबादत का वो घर जहाँ पर इबादत की जाती है, यानी कि इबादत गाह। जैसे कि मुसलमानों में मस्जिद होती है, उसी तरीके से यहूदियों में हैकल होता है जहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं। हैकल सुलेमानी, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई हैकल। यहूदियों का ये मानना है कि हैकल सुलेमानी की एक दीवार जो अभी भी बची हुई है, जिसे गिरिया दीवार कहा जाता है, यहूदी मस्जिद अक्सा को तोड़ करके वहाँ पर अपना हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। ईसाइयों का ये मानना है कि ये जगह उनकी है, यानी कि जहाँ पर मस्जिद अक्सा है वो उनकी है, क्योंकि यहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दोबारा यहीं से जिंदा होंगे जब ईसाइयों को ये जगह मिल जाएगी। कि यहाँ पर ईसाई जब कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से जिंदा होंगे। दोस्तों, मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों में इस मस्जिद अक्सा की जगह को लेकर के सदियों से जंग होती रही है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ यहूदी और मुसलमान में ये जंग चल रही है, ईसाई पीछे हटे हुए हैं। आपको बता दें कि जो इज़राइल देश है वहाँ पर टोटल यहूदी बसे हुए हैं और उसके बगल में जो छोटा सा फिलिस्तीन है उसमें टोटल मुस्लिम रहते हैं। दोस्तों, इज़राइल ये चाहता है कि कैसे भी करके फिलिस्तीन पर अपना कब्जा कर लिया जाए, और जब फिलिस्तीन पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो हम मस्जिद अक्सा को तोड़ करके वहाँ पर अपना हैकल सुलेमानी बना लेंगे और फिर अपने मसीहा दज्जाल को बुलाएंगे और उसके साथ जंग करके पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेंगे। फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के लिए इज़राइल फिलिस्तीन के लोगों पर किस कदर से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है ये तो आप सभी जानते हैं। बच्चों को यूं ही कत्ल कर देता है, औरतों को कैद कर लेता है, मर्दों को जान से मार देता है, और 56 नाम के इस्लामिक मुल्क जो हैं वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। इज़राइल के बढ़ते जुल्म व सितम को देखते हुए और मस्जिद अक्सा पर कब्जा जमाते देखते हुए एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है जिसका नाम अबू उबैदा होता है, जिसने हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 इज़राइल पर 7000 रॉकेट से हमला कर दिया। उसके बाद इज़राइल ने भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश की मदद ले करके पूरे फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद करने में लग गया। फिलिस्तीन और इज़राइल की ये जंग काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, काफ़ी महीने बीत चुके हैं, लेकिन अबू उबैदा ने हार नहीं मानी है और इज़राइल को लोहे के चने चबवा दिए हैं, उसकी नाक में दम करके रख दिया है। दोस्तों, इज़राइल फिलिस्तीन पर इतने ज़्यादा हमले सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि फिलिस्तीन के मुसलमान फिलिस्तीन को छोड़कर चले जाएं और इज़राइल पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्ज़ा जमा ले और फिर मस्जिद अक्सा को तोड़ करके वहाँ पर अपना हैकल सुलेमानी बनाए और अपने मसीहा दज्जाल को बुलाए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को तोड़ करके अपना हैकल सुलेमानी बना लिया तब फिर दज्जाल आएगा जो एक आँख से अंधा होगा और उसके माथे पर काफ़िरे लिखा होगा, जिसका मतलब होगा काफिर। इसी दज्जाल के साथ मिलकर के यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत जमा लेंगे, हर जगह से मुसलमानों का राज खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया पर सिर्फ यहूदियों का राज चलेगा। तब मुट्ठी भर मुसलमान बचेंगे, तब इमाम मेहदी का जहूर होगा और तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस दुनिया में आएंगे, और फिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी के बचे मुसलमान का एक लश्कर तैयार होगा और इमाम मेहदी यहूदियों से जंग करते हुए पूरी दुनिया को फतेह करते चले जाएंगे, और जब बैतुल मुकद्दस में पहुँचेंगे तो वहाँ पर कई बार जंग करेंगे और बैतुल मुकद्दस को
भी फतह कर लेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। जब मुसलमान और यहूदियों में आखिरी जंग लड़ी जा रही होगी तो उस वक्त ये आलम होगा कि अगर कोई यहूदी किसी पेड़ के पीछे या किसी पत्थर के पीछे छिपा होगा तो पेड़ या पत्थर पुकार करके कहेगा, ए मुसलमान, यहूदी मेरे पीछे छिपा है, आ और आकर इसको मार। लेकिन उस वक्त एक पेड़ ऐसा होगा जिसे गरकत का पेड़ कहा जाता है। अगर कोई यहूदी इसके पीछे छिपा होगा तो ये गरकत का पेड़ उसे छुपा लेगा, लेकिन आखिरी में सारे यहूदियों का कत्ल हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे ईसाइयों को मुसलमान बना देंगे और वो सारे ईसाई हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस जहां में तशरीफ़ लाएंगे तो कोई नबी बन कर के नहीं बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती बन कर के दोबारा इस जहां में तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी तो उसके काफ़ी अरसे के बाद क़यामत आ जाएगी।